इस टॉपिक का नेक्स्ट कंसेप्ट इस प्रकार है कि इसमें हम एक गिवन पॉइंट से पास होने वाले एंड एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे हम जानते हैं कि हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यह होता है माना इसमें हमें एक वेक्टर गिवन है जिसके परपेंडिकुलर हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है यहां देखें तो यह प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या यही एक ऐसा प्लेन है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ऐसा बिल्कुल नहीं है हम देख सकते हैं कि यह प्लेन भी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है इसी प्रकार यह प्लेन भी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है सो हम कह सकते हैं कि, कि किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट प्लेन होते हैं अब माना इस प्लेन पर एक पॉइंट है ए जो कि गिवन है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन तब हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पास होने वाला एंड गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर केवल एक ही प्लेन होगा मतलब यह प्लेन प्लेन यूनिक होगा अब हमें इस की इक्वेशन फाइंड करनी है इसके लिए माना गिवन वेक्टर है वेक्टर एन जो कि प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर होगा अब पॉइंट ए के पोजिशन वैक्टर की बात करें तो यह वैक्टर ए होगा अब माना प्लेन पर एक आर्बिटरी पॉइंट है पी जिसके की कोऑर्डिनेट्स है x, y, z एंड इसका पोजिशन वेक्टर है वेक्टर r अब पॉइंट a को पॉइंट p से मिलाने पर हमें वेक्टर ap मिलता है नाउ ट्रायंगल oap में देखें तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं वेक्टर oa प्लस वेक्टर ap इज इक्वल टू वेक्टर op जिसे सिंप्लीफाई करने पर हम वेक्टर ap को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अब वेक्टर एंड ओ ए वैक्टर की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने पर वी गेट एपी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर आर माइनस वैक्टर ए यहां देखें तो जो एन वैक्टर है वह प्लेन के परपेंडिकुलर है मींस यह प्लेन में प्रेजेंट सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा अतः वैक्टर एपी एंड वैक्टर एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दैट मीनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा अब एपी वेक्टर की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें यह मिलता है एंड यही जो इक्वेशन मिली है वही रिक्वायर्ड प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है अब यदि हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो हम वेक्टर आर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप वेक्टर ए को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं एंड माना जो वेक्टर एन है वह है इसके इक्वल है तब वेक्टर आर वेक्टर एन एंड वेक्टर ए की इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलेगी जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें यह इक्वेशन मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है